हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड 6 पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की साइंस लेसन नंबर 15, एयर अराउंड अस। देखिए, हवा हर जगह मौजूद है, धरती के ऊपर, धरती के नीचे, पानी के अंदर। और ये हवा हमारे लिए, जीव जंतुओं के लिए, प्लांट्स, एनिमल्स, सबके लिए बहुत जरूरी है। हम हवा का इस्तेमाल करते हैं सांस लेने के लिए। इवन हमारे अंदर जो सेल्स हैं वो हवा का इस्तेमाल करते हैं हमें एनर्जी देने के लिए। हम खाने के बिना तो रह सकते हैं, पानी के बिना भी रह सकते हैं, लेकिन अगर आप एक मिनट के लिए भी अपना नाक बंद कर लें तो बहुत दिक्कत हो जाती है। हवा के बिना तो हम पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए लाइफ को इमेजिन करना। तो हमारे आसपास जो हवा है, जो चल रही हवा है, मूविंग एयर, जिसे आप देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं जब एसी की ठंडी ठंडी हवा पड़ती है, कूलर की पड़ती है, पंखे की हवा पड़ती है, जो चलती हुई हवा है उसे हम विंड बोलते हैं, नेचुरल हवा जिसे हम बोलते हैं। तो हवा बहुत तरीके से हमारी मदद करती है, पतंग उड़ाने में, कपड़े सुखाने में। जो फार्मर्स हैं वो हवा का इस्तेमाल करते हैं हस्क, जो छिलका होता है सीड्स का, उसको वीट से अलग करने के लिए, विनोइंग बोलते हैं उसे। विंड और भी हमारी मदद करती है विंड मिल्स चलाने में, बिजली पैदा की जाती है विंड के साथ, पॉलिनेशन यानी कि फूल जो खिलते हैं, फ्रूट्स बनते हैं, तो वो जो प्रोसेस होता है फ्लावर्स के अंदर रिप्रोडक्शन का, वो हवा के जरिए होता है। हवा जब चलती है तो तापमान में भी फर्क आता है। अब ये जो हवा जब ज्यादा स्पीड से चलती है तो आप देखेंगे कि तबाही भी मचाती है, जो पेड़ पौधे हैं उन्हें जड़ से बाहर भी निकाल देती है, होता है कि नहीं? अच्छा, क्या आपको मालूम है जब हवा को आप एक छोटी स्पेस के अंदर स्क्वीज करते हैं, डालते हैं, हम बोलते हैं वो कंप्रेस हो गई है। जैसे टायर के अंदर, रबड़ के टायर या ट्यूब के अंदर जब आप हवा भरते हो तो वो टायर पे प्रेशर डालती है ताकि जो हमारा वाहन है वो आसानी से चल सके। तो ट्यूब के अंदर जो हवा है वो कंप्रेस हुई हुई है। जब छोटी स्पेस के अंदर आप हवा को भरते हैं उसे हम कहते हैं कंप्रेस हो जाना। अब हवा किस चीज की बनी होती है? हमारी धरती के आसपास हवा की एक लेयर है जिसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, जो बहुत किलोमीटर ऊपर तक जाती है अर्थ के। अब इस हवा में बहुत अलग अलग टाइप की गैसेस होती हैं, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। इवन इस एटमॉस्फेयर के अंदर ओजोन लेयर होती है, जो हमें हानिकारक जो किरणें हैं जो सन से आती है, यूवी लेयर्स, उससे बचाती है। अब कॉम्पोजिशन क्या है एयर की? देखिए, सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन मिलती है 78%, ऑक्सीजन होती है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.03%, बाकी क्या होता है? मिट्टी, स्मोक, डस्ट, वाटर वेपर्स। तो हवा हर जगह पे इसकी जो कॉम्पोजिशन है, मतलब कितनी मात्रा में डस्ट है, वाटर वेपर्स है, स्मोक है, ऑक्सीजन है, इनकी जो मात्रा है ये जगह जगह पे अलग होती है, मौसम में भी अलग होती है, हर मौसम में अलग तरीके की कॉम्पोजिशन होती है। जैसे आप देखेंगे बारिश के टाइम पे आपको चिपचिपाहट होती है, ह्यूमिडिटी होती है, तो आप ये कह सकते हैं कि ज्यादा वाटर वेपर्स होते हैं बारिश के दौरान। और जब कंजेस्टेड जगह जहां बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो वहां पर पॉल्यूटेंट्स ज्यादा होते हैं। तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं हवा के अंदर जो मौजूद चीजें हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन, जिसे हम O2 बोलते हैं। धरती पे जितने जीव जंतु हैं उनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है रेस्पिरेशन के लिए। रेस्पिरेशन का मतलब होता है सांस अंदर लेके अंग अंग तक ऑक्सीजन को लेकर जाना, ताकि जो सेल्स हैं वो खाना तोड़ सके और हमें एनर्जी मिल सके। सांस अंदर और बाहर लेने को ब्रीदिंग बोलते हैं। रेस्पिरेशन मतलब अंदर तक लेके जाना ताकि उसका सही इस्तेमाल हो सके और हमें एनर्जी मिल सके। तो जो लैंड पे प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं एटमॉस्फेयर में। जो सॉइल में मौजूद है प्लांट्स या एनिमल्स, वो सॉइल से ऑक्सीजन खींचते हैं, जो हवा होती है सॉइल के अंदर। जो एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो पानी में है, वो ऑक्सीजन लेते हैं जो पानी में मिली हुई होती है। ऑक्सीजन की जरूरत हमें कुछ जलाने के लिए भी होती है, कोई चीज अगर आग लगानी है उसके लिए भी आपको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। एग्जाम्पल दे देती हूँ, दो कैंडल्स ले लीजिए, उसको जला दीजिए, एक कैंडल के ऊपर जार रख दीजिए, जैसे ही उस जार के अंदर की जो ऑक्सीजन है वो खत्म हो जाएगी
तो जो कैंडल है वो जलना बंद हो जाएगी। इससे ये साबित होता है कि कोई चीज जलने के लिए ऑक्सीजन मांगती है। दूसरी चीज है कार्बन डाइऑक्साइड, जो हवा में मौजूद होती है पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से कम मात्रा में मौजूद होती है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस का काम करने के लिए, मतलब अपना खाना बनाने के लिए वो कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। जानवर या हम लोग जब सांस लेते हैं, बाहर जो छोड़ते हैं वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए भी जरूरी है, आप इसे कहते हैं ग्रीन हाउस गैस, क्योंकि ये धरती के तापमान को ठीक रखती है, हीट को बाहर नहीं जाने देती। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो धरती में जितनी भी हीट है वो बाहर चली जाएगी, एस्केप हो जाएगी और धरती बहुत ठंडी हो जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपकी हीट को रिटेन करती है धरती के अंदर, स्टोर करके रखती है। पर ज्यादा मात्रा में इसका होना भी हानिकारक है। जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, जब उसे खोलते हैं या सोडा की बोतल को खोलते हैं, फिज आता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है उसके अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड ना तो किसी चीज को जलाने में मदद करती है, इसीलिए हम इसे फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पे यूज करते हैं। आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग भी जब सांस अंदर लेते हैं ऑक्सीजन लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं सांस को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो जिस जगह पे बहुत ज्यादा लोग होते हैं छोटी सी जगह में, उसे हम बोलते हैं कंजेशन हो जाता है। तो आपको सांस लेने में दिक्कत होगी क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाती है। तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का होना भी हानिकारक है। तीसरी चीज जो एयर में सबसे ज्यादा मात्रा में मौजूद है वो है नाइट्रोजन, जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को चाहिए होता है ग्रोथ के लिए। प्लांट्स और एनिमल्स, पेड़ पौधे जानवर, इसे एयर से नहीं लेते। तो क्या होता है, नाइट्रोजन को पहले सॉइल के अंदर जो मिली नाइट्रोजन होती है, एक बैक्टीरिया उसे फिक्स करता है, मतलब उसे ठीक फॉर्म में लेकर आता है ताकि जो प्लांट्स हैं उसे यूज कर सके। बैक्टीरिया ये काम करता है सॉइल के अंदर। तो प्लांट्स ने तो नाइट्रोजन ले ली रूट्स के जरिए सॉइल से, अब जब एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं तो एक तरीके से वो भी नाइट्रोजन कंज्यूम कर रहे हैं, तो हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। पर इसके अलावा मैंने आपको बताया हवा के अंदर डस्ट भी होता है, स्मोक भी होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। स्मोक जो गाड़ियों से निकलता है, इंडस्ट्रीज से निकलता है, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होती है। डस्ट और स्मोक के पार्टिकल्स हर एरिया में अलग अलग मात्रा में आपको पाए जाते हैं। जैसे अगर आप मिड अक्टूबर की बात करें, नवंबर की बात करें, आपको ज्यादा डस्ट और स्मोक दिखाई देगी इन मंथ्स में, क्योंकि जो हमारे किसान है वो जो चोने की फसल होती है, जो बचा हुआ सामान होता है, उसको आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बीमारियां फैलती हैं। तो ये नहीं करना चाहिए, हम इसको खाद में भी तो बदल सकते हैं ना, तो आग तो नहीं लगानी चाहिए। अगर आप देखना चाहें कि एटमॉस्फेयर में कितनी डस्ट और स्मोक है, तो आप क्या कीजिए, एक लकड़ी का पीस लीजिए, उसके ऊपर फेविकोल लगा के उसे बाहर रख दीजिए। एक घंटे बाद आप उसके ऊपर इतनी मिट्टी चिपकी हुई देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि कितनी डस्ट और स्मोक है। या आप एक और चीज कर सकते हैं, अंधेरे कमरे में एक छोटा सा कर्टेन में, पर्दे में होल करके जब आपको लाइट आती हुई दिखाई देगी, तो आपको उसके अंदर छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल्स भी दिखाई देंगे कि इतनी मिट्टी मौजूद है एटमोस्फेयर में जो हम रोज सांस लेके अंदर लेते हैं। उसके अलावा वाटर वेपर्स भी मौजूद होते हैं हवा के अंदर। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, ये वाटर वेपर जैसे ही किसी ठंडी चीज के संपर्क में आते हैं, वेपर्स कंडेंस कर जाते हैं और वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, जैसे बादल बनते थे, मैंने आइस के ग्लास का भी एग्जाम्पल दिया था। तो ये जो कितने वाटर वेपर मौजूद है हवा के अंदर, ये तापमान और कितनी गर्मी है एक एरिया में उस पे डिपेंड करते हैं और बहुत जरूरी होते हैं वाटर साइकिल के लिए। आप अगर स्टील का ग्लास लेते हैं, उसमें बर्फ डाल देते हैं, तो थोड़ी देर बाद आप बाहर देखेंगे पानी की बूंदे। वो है क्या, हवा में जो वाटर वेपर्स हैं, वो जैसे ही ठंडे ग्लास के संपर्क में आती हैं, वो कंडेंस कर जाती हैं और वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे ऑक्सीजन जो है वो एनिमल्स और प्लांट्स को मिलती है, जो सॉइल से लेते हैं या पानी में लेते हैं।
देखिए, प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं, जो पानी में रहते हैं या धरती पे रहते हैं, वो अलग अलग तरीके से ऑक्सीजन निकालते हैं हवा से। प्लांट्स ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, जो वो यूज करते हैं, और ऑक्सीजन वो रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं। एनिमल्स ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। पानी के अंदर भी यही काम होता है, पानी से ऑक्सीजन लेते हैं और बाहर छोड़ देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ताकि प्लांट्स इस्तेमाल कर सके। प्लांट्स यूज करते हैं, अगर उनको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत हो तो वो जो मिट्टी के अंदर छोटे छोटे स्पेसेस होती हैं, उसमें एयर होती है, एयर के अंदर से वो ऑक्सीजन खींचते हैं। एनिमल्स भी जो सॉइल में रहते हैं, आप देखेंगे वो अपना घर बनाते हैं खुरच खुरच के, तो एक स्पेस क्रिएट कर देते हैं जिससे जो हवा है वो अंदर आ सके, और वो हवा से ऑक्सीजन लेते हैं जब वो सॉइल के नीचे रहते हैं। पानी में घुली हुई ऑक्सीजन ले लेते हैं। अब आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि पानी के अंदर भी ऑक्सीजन होती है। आप जब गर्म पानी करते हैं या पानी को उबालते हैं, तो नीचे आप बुलबुले देखेंगे पानी के, एयर बबल्स देखेंगे। वो क्या है? वो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन मौजूद है वही है। अगर आप देखना चाहते हैं कि ये कैसे ऊपर जाती है, तो आप पानी के अंदर KMnO4 डाल दीजिए, यानी पोटेशियम परमैंगनेट डाल दीजिए, आप देखेंगे पर्पल कलर जो है वो ऊपर उठना शुरू हो जाता है। तो ये जो डिजोल्व एयर है बेसिकली, वो ऊपर आ रही है जब उसको गर्म किया जा रहा है। वो जो बुलबुले हैं वो हवा का सबूत है, और हवा में से ऑक्सीजन जो है वो निकाली जा सकती है, जो एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स हैं। प्रूफ हो गया कि पानी के अंदर हवा होती है। अब क्या सॉइल के अंदर भी हवा होती है? जी हाँ, तभी तो उसको प्लो किया जाता है, खुरपा ले लेके माली क्या करता है, अंदर बाहर करता है ना सॉइल को, ताकि हवा अंदर जाए बाहर आए, हवा अंदर जाए पार्टिकल्स के अंदर। तो अगर आप एक गमला लेंगे और उसके अंदर मिट्टी रख देंगे, पानी डालेंगे, तो कुछ बुलबुले बाहर आते हैं। वो बुलबुले क्या हैं? इसी का सबूत है कि उस मिट्टी के अंदर भी हवा है। अब ऑक्सीजन जो है रिप्लेस कैसे होती है एटमॉस्फेयर में, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, फोटोसिंथेसिस जब होता है तो क्या होता है, प्लांट्स अपना खुद का खाना बनाते हैं, उसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इंसान जब सांस लेते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो कुदरत में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस मेंटेन रहता है, क्योंकि प्लांट्स होते हैं। लेकिन कई बार ये जो बैलेंस है ये खराब हो जाता है, खास तौर पे तब जब हम बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, जैसे जब आप फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जब आप पेड़ काट देते हैं, तो बैलेंस हिल गया। आप जैसे जैसे पहाड़ों पे जाते हैं, आपको पता है वहां पर ज्यादा ऑक्सीजन नहीं होती, क्योंकि जो एटमोसफेयर है उसमें हवा भी ज्यादा नहीं होती। तो सिलेंडर लेकर जाते हैं लोग ऑक्सीजन का ऊपर जाते हुए, तो जो एयर है या एटमॉस्फेयर है उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। हम एयर का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं, मालूम है आपको? हम विंड मिल्स चलाते हैं, उससे विंड मिल्स चला के हम पानी ट्यूबवेल से भी निकालते हैं, बिजली भी प्रोड्यूस की जाती है एयर की मदद से। एयर जो है वो सेल करने में, पानी में किश्ती लेके जाने में भी मदद करता है, साथ में जो पैराशूट है वो या एरोप्लेन्स भी एयर की मदद से ही तो उड़ते हैं ऊपर। हवा का होना कितना जरूरी है, अगर आपको किश्ती को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है। बर्ड्स, इंसेक्ट भी तो हवा में ही उड़ते हैं, हवा ही हेल्प करती है सीड को, पोलन ग्रेन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में, ताकि पेड़ पौधे अलग अलग जगह उग सके। आपने देखा होगा जो अर्थ वर्म है, बारिश के दिनों में वो बाहर आ जाते हैं, क्योंकि उनके जो बर्रोज थे, उनके जो घर थे, उसके अंदर बारिश का पानी चला जाता है, ऑक्सीजन सारी बाहर या हवा सारी बाहर, तो इस वजह से उनको रेस्पिरेशन के लिए बाहर आना पड़ता है। वो बाहर इसलिए दिखाई देते हैं, अब समझ आ गया, बारिश में, क्योंकि उनके घरों के अंदर पानी चला गया, हवा है ही नहीं। तो ये थी आज की क्लास, पर जाने से पहले मैं आप लोगों से दो क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ। पहला क्वेश्चन ये कि हवा में या एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी चीजें होती हैं और उनकी क्या क्या मात्रा होती है, और दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो प्लांट्स हैं वो कौन सी गैस का इस्तेमाल करते हैं अपना खाना बनाने के लिए,
और जो सोडा वाटर है, कोल्ड ड्रिंक है, उसमें कौन सी गैस होती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हम फिर मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।